अस्सलाम वालेकुम। टेल टेस्टिक की इस वीडियो में खुश आमदी। आज की इस वीडियो में हम टर्की की तीन इंटरसिटी बसेस का कंपैरिजन करेंगे, इनकी कंफर्टेबिलिटी, इनकी इन बस सर्विसेज और अराइवल और डिपार्चर के टाइमिंग्स के हिसाब से। यहाँ 5 से हमारी मुराद है बेहतरीन और 1 से मुराद है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन अपनी बस का टिकट किस तरह बुक कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेट्रो ट्रेवल की बसेस। ये टिकट हमने इनके तकसीम स्क्वायर पे मौजूद बुकिंग ऑफिस से लिया, क्योंकि उस टाइम हमें भी ऑनलाइन बुकिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। मेट्रो की सीट्स की कंफर्टेबिलिटी को हम देंगे 5 में से 4 नंबर। इन बस सर्विसेज में हम देंगे इनको 5 में से 3 नंबर। इस बस में स्क्रीन्स थी लेकिन आप कुछ चला नहीं सकते थे। चार्जर्स के लिए पोर्ट दिए हुए थे, लेकिन अगर आपके पास यूरोपियन यूनियन एक्सटेंशन नहीं है तो आप चार्जर नहीं इस्तेमाल कर सकते। सफ़र के दौरान ये आपको एक आइसक्रीम कप सर्व करते हैं और 2 दफ़ा पानी लेके आए। अगर बात की जाए इनके डिपार्चर और अराइवल टाइम की, तो दोनों को ही हम 5 में से 5 नंबर देंगे। बस बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आपको पिक करने के लिए पहुंच जाती है और जो टाइम उन्होंने बताया होता है पहुंचने का, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम पर मंजिल पर पहुँचा देती है। ये सफ़र हमने इस्तांबुल से बुर्सा तक किया था। इसका रास्ता 3 घंटे का है। अब जो बस सर्विस हम देख रहे हैं, इसका नाम है पामुकाले। कंफर्टेबिलिटी के एतबार से इनको हम देंगे 5 में से 5 नंबर। इनकी सीट्स बेहद कंफर्टेबल और लेग स्पेस भी बहुत अच्छी थी। इन बस सर्विसेज के लिए भी हम इनको देंगे 5 में से 5 नंबर। इनकी स्क्रीन्स भी चल रही थी और देखने के लिए काफी ऑप्शंस मौजूद थे। तो अगर बच्चों के साथ हैं और लंबा सफर है तो भी आसानी से गुजर जाएगा कार्टून लगाकर। खाने के लिए बिस्किट्स के भी बड़े सारे ऑप्शन थे। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस की एक बड़ी सी ट्रॉली लेकर ये भाई बार बार आ जाते थे। और कोई पाबंदी नहीं कि आप सिर्फ एक चीज़ लें, आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। क्योंकि हमने बुर्सा से पामुकाले का सफ़र किया जो तकरीबन 6.5 घंटे का था, तो इस दौरान ये इतनी ही बड़ी ट्रॉली लेकर 3 दफ़ा आए। इस बस में भी चार्जिंग के लिए सॉकेट्स यूरोपियन यूनियन वाले एक्सटेंशन की तरह ही मौजूद थे। डिपार्चर के लिए हम इनको देंगे 5 में से 5, जबकि मंजिल पे पहुंचने के लिए हम इनको देंगे 5 में से 4 नंबर, क्योंकि ये बस 1 घंटा लेट पहुंची थी। अब हम देखने जा रहे हैं कामल कोटी बसेस। सीट कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से हम इनको देंगे 5 में से 2.5 नंबर। इनकी सीट्स रिलेटिवली सख्त थी और लेग स्पेस भी बहुत ही नामुनासिब था। अगर आगे वाला सीट पीछे लिटाना चाहे तो लिटरल सेंस में आपकी गोद में ही आ जाता है। इन बस सर्विसेज के लिए हम इनको देंगे 5 में से 2 नंबर। स्क्रीन लगी हुई थी लेकिन होम से आगे आप प्रोग्राम की लिस्ट तो देख सकते थे लेकिन प्रोग्राम नहीं। इस बस में भी चार्जिंग के लिए सॉकेट्स यूरोपियन यूनियन वाले एक्सटेंशन की तरह ही मौजूद थे। ये हमने पामुकाले से अंताल्या के लिए बुक की थी, जिसका सफ़र तकरीबन 3 घंटे का है। इसके बीच में एक दफ़ा पानी ऑफर करने के लिए एक खातून तशरीफ़ लाई थी, काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी। ये 2 नंबर उन्हीं की पेशावराना सलाहियतों के लिए हैं। डिपार्चर और अराइवल दोनों ही के लिए इन्हें 5 में से 5 नंबर देते हैं। अब आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है, इसके हिसाब से आप बस सर्विस चुन सकते हैं। इसके अलावा हर बस सर्विस के नंबर ऑफ स्टॉप सेम डेस्टिनेशन के लिए अलग होते हैं,
तो उसी एतबार से उनका ट्रेवल टाइम भी फ़र्क हो जाता है। ये कंपैरिजन आप ऑनलाइन बुकिंग के टाइम कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग का पता हमें बुरसा बस स्टॉप पर ये ऐड देख के लगा। पहले तो हम थोड़ा डाउटफुल थे, लेकिन लोगों से पता करने पर पता चला कि लोकल ऐसे ही टिकट्स बुक करते हैं। हमने 2 बसेस के टिकट इस साइट से ऑनलाइन बुक और पे किए। फिर आप अपने टिकट की तस्वीर अपने मोबाइल में सेव कर लें और बस स्टॉप पर मौजूद उस ट्रेवल कंपनी के काउंटर पर दिखाकर फिजिकल टिकट ले लें। टाइम का खास ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ बसेस बिल्कुल 5 मिनट के अंदर निकल जाती हैं और एग्जैक्ट डॉट टाइम पर आ जाती हैं स्टॉप पर। क्या हम रिकमेंड करेंगे बसेस से ट्रेवल करना? इसके जवाब में एक बहुत बड़ा वाला हाँ। इंतहाई हसीन लैंडस्केप थे पूरे रास्ते। अगर हमें फ्लाइट और बस में चॉइस करना पड़े तो हर बार हम बेझिझक बस ही चुनेंगे, क्योंकि इतना खूबसूरत रास्ता था और फिर टर्की का बस सिस्टम बहुत ही अच्छा और शानदार था। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई है तो ये जो लाइक का बटन दिया हुआ है, हाँ ये बिल्कुल ही अंगूठे वाला, इसको दबा दीजिए। और बराबर में जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है, अगर पहले नहीं दबाया था तो उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि भाई आगे की वीडियोस भी तो देखनी है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।